नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ईट राइट मिलेट्स श्री अन्न क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, इसकी बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर क्विज ऑन ईट राइट मिलेट्स लिखकर सर्च करना होगा और इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ईट राइट मिलेट्स श्री अन्न क्विज, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन विद ओटीपी आएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर माई गॉव पर रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, यह सब लिखना होगा। और यह सब भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी आएगा, जिसमें आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। आप जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आप लॉगिन कर जाओगे। और लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं, इस तरह का पेज खुलेगा लॉगिन करने के बाद, ईट राइट मिलेट्स श्री अन्न क्विज। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो कि 300 सेकेंड्स में करना है। और जो रेड में आप देख रहे हैं स्टार्ट क्विज, स्टार्ट क्विज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी। यह मैंने क्लिक कर दिया और ये क्विज स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एक क्विज का टाइम शुरू हो गया है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन हैं। जो भी उचित ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उस पर इधर गोले पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेसिथिन की उच्च मात्रा की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए उपयोगी होती है। तो जो भी आपको उचित ऑप्शन लगे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसमें फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक किया। और अगले क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, कुटकी में जिंक की मात्रा अधिक होती है जिससे बेहतर होती है। तो जो भी ऑप्शन आपको उचित लगे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसमें तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, एक तीसरा प्रश्न आ गया है। तमिलनाडु में गर्मी के मौसम में पिए जाने वाले बाजरा से तैयार प्रचलित पारंपरिक पेय का नाम है। तो जैसे मैंने इसमें तीसरे पर क्लिक किया और नेक्स्ट किया, एक क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, आप देख सकते हैं। वैदिक शास्त्रों जैसे मैं श्री अन्न के पर्याप्त संदर्भ हैं। पुराण ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, शतपथ ब्राह्मण। तो जो भी उचित ऑप्शन लगे उसमें आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने इसमें चौथा ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, एक क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, आप देख सकते हैं। कोदो में गेहूं के मुकाबले गुणा अधिक फाइबर होता है, आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन है। तो जैसे मैंने इसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो भी आपको उचित ऑप्शन लगे उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन आता जाएगा। ये 6 क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। लघुश्री अन्न का निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुण निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो जैसे मैंने लघुश्री अन्न का निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुण निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। जल्दी पचने वाला स्टार्च, धीरे धीरे पचने वाला स्टार्च, प्रतिरोधी स्टार्च, बी तथा सी दोनों सही हैं, बी और सी।
तो जैसे मैंने इसमें लास्ट वाले पे फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, आप देख सकते हैं। भारत ने 2021-22 के दौरान मिलियन मूल्य के श्रीयन उत्पादों का निर्यात किया। जो भी ऑप्शन उचित लगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इनमें से किस मिलेट में लौह का सबसे उत्तम स्रोत पाया जाता है? कुटकी, कंगनी, चेना, कोदो। तो जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन पर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। किस धातु की उपस्थिति से मिलेट्स हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, किस मिलेट की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। किस मिलेट की उपस्थिति अफ्रीका में हुई थी, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। रागी, किस मिलेट की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी? रागी, चेना, बाजरा, ज्वार। तो जैसे मैंने इसमें ऑप्शन 1 फिंगर मिलेट रागी पर क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं क्विज कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीट होने के बाद फिनिश क्विज पर क्लिक करते ही टाइम पूरा हो चुका है, तो अपने आप क्विज कंप्लीट हो गई। इधर आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मेरा नाम देख सकते हैं, क्विज का नाम ईट राइट मिलेट्स श्री अन्न क्विज। इस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।